बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 105 आज हम फिनिश करने जा रहे हैं। जैसे कि हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स कर चुके हैं, आज हम इसके लास्ट पार्ट्स, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 5.2, ग्रेड 5 एक्सरसाइज 5.2, पेज नंबर 105। आप अपने पास नोट कर लें, बुक पेज नंबर है 105, एक्सरसाइज 5.2। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ वीक्स एंड मंथ्स इन द फॉलोइंग सेपरेटली। मींस के हमें डेज गिवन है, ये रिक्वायर्ड है, ये फाइंड करना है कि लेट सपोज के 760 डेज में कितनी वीक्स होते हैं और 760 डेज में कितने मंथ्स होते हैं। तो हमने सेपरेटली अलग अलग करके इसकी जो है ये फाइंड करना है कि इसमें कितनी वीक्स होते हैं और कितने मंथ्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द नंबर ऑफ वीक्स एंड मंथ्स इन द फॉलोइंग सेपरेटली। फर्स्ट पार्ट इज 760 डेज। अब सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द नंबर ऑफ वीक्स एंड मंथ्स इन द फॉलोइंग सेपरेटली। फर्स्ट पार्ट इज 760 डेज। सॉल्यूशन, आफ्टर सॉल्यूशन रिपीट द क्वेश्चन 760 डेज। अब इसके बाद हमने डायरेक्ट ये देखना है, रफ वर्क में ये लिखना है कि वन वीक में कितने डेज होते हैं, क्योंकि हमारा काम किन यूनिट्स के साथ होगा जो हमने फाइंड करना हो और जो हमें गिवन हो। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ वीक्स फाइंड करने हैं ना, और डेज गिवन है तो हमें ये देखना है। वीक्स बड़ा यूनिट है क्योंकि वीक में पर डेज होते हैं ना। तो हमें ये देखना है कि वन वीक में कितने डेज होते हैं। वन वीक इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 7 डेज। वन वीक में हमेशा 7 डेज होते हैं। तो अगर हम बोथ साइड 7 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 डे रह जाएगा, यहाँ पर 1/7 आ जाएगा। तो 1 डे इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1/7 वीक्स। तो हमने इसको वीक्स में कन्वर्ट करना है तो 7 पर डिवाइड करने हैं, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 760 डिवाइडेड बाय 7 वीक्स। अब जिसमें कन्वर्ट करना हो वो यूनिट उसके साथ लिख लें, ठीक हो गया। अब इस डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 7 जो है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, 7 का रेसिप्रोकल 1/7 होगा, ठीक हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर इन दोनों का 1 है। अब मल्टीप्लाई द न्यूमिरेटर विद न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। 760 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 760, 1/7 आर 7 वीक्स। अब दिस इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो रफ वर्क में आप 760 को 7 पर डिवाइड करें। 7 1 इज 7, 7 - 7 इक्वल्स टू 0, 6 को नीचे ले आए, 6 इज़ लेस देन 7, तो हम 0 के साथ करेंगे। 7 0 इज़ 0, 6 - 0 इक्वल्स टू 6, 0 को नीचे ले आए, ठीक है। आप इसी तरह एरोज़ लगाते जाएं। 7 8 ज़ार 56, क्योंकि 7 9 ज़ार 63 विच इज़ ग्रेटर देन 60, तो हम 8 के साथ करेंगे। 7 8 ज़ार 56। अब 0 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये 6 से हेल्प लेगा, ये 10 बन जाएगा और ये 5 रह जाएगा। 10 - 6 इक्वल्स टू 4, 5 - 5 इक्वल्स टू 0। सो द आंसर इज़ कि 760 डेज में 108 वीक्स एंड 4 डेज हैं। क्वेश्चन में जो है ये वीक्स है और जो रिमाइंडर में है ये डेज हैं।
इट मीन्स कि 760 डेज इज़ इक्वल्स टू 108 वीक्स एंड 4 डेज। अब हमने ये देखना है कि 760 डेज में कितने मंथ्स होते हैं। वीक्स तो फाइंड हो गए कि इसमें 108 वीक्स एंड 4 डेज है, अब हमने ये देखना है कि इसमें कितने मंथ्स हैं। तो 760 को 30 पर क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हम रफ वर्क में सबसे पहले ये लिखेंगे। ये देखना है कि हमारा काम सिर्फ डेज और मंथ्स के साथ होगा, क्योंकि डेज हमें गिवन है और जो रिक्वायर्ड है मींस मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो मंथ्स के साथ होगा। तो एज़ वी नो दैट कि वन मंथ इक्वल टू 30 डेज, अगर हम बोथ साइड 30 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वन डे रह जाएगा, विच इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1/30 मंथ्स। 30 नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर भी 30, दोनों 30s आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 day इक्वल टू 1/30 मंथ्स। सो इसको हम 30 पर डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमने इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है। अब मल्टीप्लिकेशन में जब ये डिवीजन कन्वर्ट होगा तो इसका रेसिप्रोकल राइट साइड पर जो भी नंबर है इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मींस कि दोनों का डिनोमिनेटर 1 है तो राइट साइड पर 30 है, इसका रेसिप्रोकल 1/30 आएगा। अब मंथ्स इसके साथ क्यों लिखा है, क्योंकि इसको हमने मंथ्स में कन्वर्ट करना है सेपरेटली, पहले वीक्स में फिर मंथ्स में कन्वर्ट करना है। 760 वन मल्टीप्लाई बाई 30, सो 130 इसको हमने मंथ्स में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई द न्यूमिरेटर विद न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब एज़ वी नो दैट दिस इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 760 को 30 पर डिवाइड करें। तो सिंपल 3 का टेबल है, लेकिन इसके साथ आपने ज़ीरो लगाना है। 3 ones are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, means 90, 33s are 90, which is greater than 76, so हम 2 के साथ करेंगे। 3 2s are 6, which is 60, अगर हम इसके साथ 0 लगाएंगे, 32s are 60, 6 minus 0 equals to 6, 7 minus 6 equals to 1, 0 को नीचे ले आए। 3 3s are 9, 3 4s are 12, means 120, 3 5s are 15, means 150, 3 6s are 18, means 180 is greater than 160, so हम 5 के साथ करेंगे। 3 5s are, means 35s are 150, 0 minus 0 equals to 0, 6 minus 5 equals to 1, so the answer is कि there are 25 months and 10 days in 760 days. अब यहाँ तक समझ आ गई कि 760 डेज में 25 मंथ्स और 10 डेज होते हैं। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, वर्ड प्रॉब्लम नंबर 6। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 6 है, फरीदा स्टार्टेड एम्ब्रॉयडरी ऑन हर हैंडकरचीफ एट 7:40 एंड फिनिश्ड इट इन 35 मिनट्स। फरीदा जो है एक गर्ल का नेम है, एक लड़की है, उसका नाम फरीदा है। उसने अपने रुमाल पर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट की, मतलब वो हाथ से काम कर रही थी, उस पर एम्ब्रॉयडरी उसने स्टार्ट की अपने रुमाल पर। तो उसने किस टाइम स्टार्ट की, 7:40 पर उसने हैंडकरचीफ पर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट की, और उसने वो अपना काम जो है वो 35 मिनट में फिनिश किया। सो आफ्टर 35 मिनट्स क्या टाइम हो रहा था, मतलब कितने बज रहे थे, क्या टाइम हो रहा था उस वक्त, क्या टाइम था वॉच में, व्हाट टाइम डिड शी फिनिश द वर्क, उसने किस टाइम अपना काम ख़त्म किया। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फरीदा स्टार्टेड एम्ब्रॉयडरी ऑन हर हैंडकरचीफ एट 7:40 एंड फिनिश्ड इट इन 35 मिनट्स, व्हाट टाइम डिड शी फिनिश द वर्क।
मैं दोबारा समझा रही हूँ कि फरीदा जो है एक लड़की का नाम है। फरीदा ने अपने रुमाल पर, अपने हैंडकरचीफ पर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट की और उस वक्त टाइम हो रहा था 7:40। 7:40 पर उसने हैंडकरचीफ पर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट की और उसने अपना काम 35 मिनट्स में फिनिश किया। तो उस वक्त क्या टाइम हो रहा था, व्हाट टाइम डिड शी फिनिश द वर्क जब उसने अपना काम ख़त्म किया। सॉल्यूशन क्वेश्चन से ही हम जो है ये सेंटेंसेस लिखेंगे कि फरीदा स्टार्टेड एम्ब्रॉयडरी, फरीदा ने एम्ब्रॉयडरी किस वक्त स्टार्ट की, 7:40 उसने स्टार्ट की। एम्ब्रॉयडरी उसने कितने टाइम में ख़त्म की, शी फिनिश्ड एम्ब्रॉयडरी एट 35 मिनट्स, उसने 35 मिनट लगाए अपना काम ख़त्म करने में। सो लास्ट सेंटेंस होगा कि शी फिनिश्ड द वर्क, सो उस वक्त क्या टाइम हो रहा था जब उसने अपना काम कंप्लीट किया। तो आवर्स और मिनट्स को अलग करके लिख लें, ठीक हो गया। 7:40 पर उसने काम स्टार्ट किया था, तो मज़ीद 35 मिनट इसके साथ प्लस करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आफ्टर की बात हो रही है ना, कि आफ्टर 35 मिनट्स क्या टाइम हो रहा था। तो 7:40 पर उसने काम स्टार्ट किया था, 35 मिनट उसने लगाए काम ख़त्म करने में, तो फिर उसके बाद क्या टाइम हो रहा था। तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट प्लस नहीं करना, रफ वर्क में प्लस करना है। 40+35, 0+5=5, 4+3=7। अब हमें पता है कि 1 मिनट में जो है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 75 में 60 मौजूद है, तो हम 75 से 60 मिनट सबट्रैक्ट करेंगे। 5-0=5, 7-6=1, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 15 मिनट्स। तो इसने जो 60 मिनट सबट्रैक्ट की वो आवर्स को दे दी, मींस के हमें पता है कि 1 आवर, 60 मिनट जो है वो 1 आवर की इक्वल है। तो 1 यहाँ पर इसके साथ ऐड करें, 7+1=8। इट मीन्स के जब फरीदा ने एम्ब्रॉयडरी फिनिश की आफ्टर 35 मिनट्स, उस वक्त टाइम हो रहा था 8:15, 8:15। शी कंप्लीटेड एम्ब्रॉयडरी एट 8:15, ठीक हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। जाहिद बोर्डेड द बस फ्रॉम पेशावर एट 4:40 एंड रीच मिंगोरा एट 8:20। जाहिद जो है वो उसने एक बस रवाना की पेशावर से, किस टाइम पर, 4:40 पर वो बस रवाना हुई पेशावर से, एंड रीच मिंगोरा एट 8:20, और 8:20 पर वो बस जो है वो पहुंच गई मिंगोरा। हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू रीच मिंगोरा, तो उसने कितना टाइम लगाया मिंगोरा पहुंचने में। तो सिंपल 4:40 पर वो बस रवाना हुई थी पेशावर से, ठीक हो गया। किस टाइम पहुंची, 8:20 पर मिंगोरा पहुंची, तो इससे ये सबट्रैक्ट करें, हमारे पास टाइम आ जाएगा कि इतने टाइम में, हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू रीच मिंगोरा, के उसने मिंगोरा पहुंचने में इतना टाइम लगाया, बस में इतना टाइम लगा मिंगोरा पहुंचने में, ठीक हो गया। ये आप लोगों का होमवर्क है। अब अपने पास होमवर्क नोट करें, डू प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 105, फुल एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 105 की आपने प्रैक्टिस करनी है अपने मैथ्स रजिस्टर्स में, रफ नोटबुक जो आपने इन लेक्चर्स के लिए ली होगी यकीनन, तो उसमें आपने प्रैक्टिस करनी है फुल एक्सरसाइज 5.2 की। इसके अलग से मार्क्स होंगे, आपकी ये प्रैक्टिस चेक की जाएगी after vacations. Thank you.